हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो DHS का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, वहाँ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखोगे, पहला क्वेश्चन है कि टू नंबर आर मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है, बाई 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ देखोगे ध्यान से कि टू नंबर जो है, दो नंबर वो मोर है किससे, थर्ड नंबर से, कितना, 20% एंड 50%। तो दोस्तों मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर, और ये हो गया आपका थर्ड नंबर। तो पहला जो दो नंबर है वो मोर मीन्स क्या हो गया, ज़्यादा, यानी प्लस, ठीक है, कितना, 20% ज़्यादा है किससे, थर्ड नंबर से। और दूसरा वाला जो है थर्ड नंबर से ही कितना ज़्यादा है, 50%। क्लियर। तो अगर हम इसको अगर 100 ले लेते हैं, ठीक है, तो अब इसका 20% क्या होगा, 20 ही होगा। तो अब ये ज़्यादा बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 120, और सेकेंड वाला कितना होगा, 50%। तो इसका 50% क्या होगा, 100 का तो जितना भी बोलोगे वही होगा परसेंटेज, तो 50 ही होगा। तो अब ये ज़्यादा बोल रहा है ना, तो 150, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखोगे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द फर्स्ट नंबर, ये जो है आपको फर्स्ट नंबर, इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को नीचे रखेंगे, ये हो गया आपका 150 एंड देन फर्स्ट नंबर 120 इंटू परसेंटेज पूछ रहा है 100, ये हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब इसको क्या करना है, कैंसिल कर दो। तो ये 3 से गया दोस्तों 4, ये 3 से गया 5, 5 से 100 को कैंसिल करते हैं 20, 20 इंटू 4 करोगे तो 80, यानी रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा कितना, 80%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द टोटल फैक्टर ऑफ 120। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करोगे, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे 120 है ना, तो पहले क्या काम करो कि 120 का इस तरह से पहले फैक्टर आप निकाल लो, 2 से गया 60, देन अगेन 2 से जाएगा 30, अगेन उसके बाद 2 से गया 15, देन 3 से गया, ये हो गया 5, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखोगे 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 क्यूब एंड देन इनटू 3 कितने बार है, 1 टाइम्स, तो 3 का पावर 1। 5 कितने बार है, एक ही बार है, देन इनटू 5 का पावर 1। क्लियर। अब से पूछ क्या रहा है कि टोटल फैक्टर ना, तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले आप इस तरह से आप निकाल लोगे टोटल फैक्टर को। अब ये फैक्टर आपसे पूछ रहा है टोटल फैक्टर कितना होगा, तो फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, आप देखोगे यहाँ क्या है, पावर 3 है ना, तो 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ क्या है, 1 प्लस 1, यहाँ कितना पावर है, 1 1 प्लस 1। क्लियर। तो 3 प्लस 1 4 एंड देन इनटू 1 प्लस 1 2 एंड देन इनटू 1 प्लस 1 2, यानी हो गया 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका टोटल फैक्टर 120 का। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है इफ पी इज इक्वल्स टू √6 - √5, देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस 1/p का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में इस तरह क्वेश्चंस करवाया हूँ आपको, कैसे निकालना विद इन सेकेंड। देखोगे इसका आप स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद देखो कि दोनों का डिफरेंस 1 है क्या। इसका स्क्वायर करोगे, रूट का स्क्वायर करोगे, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 6, और इसका क्या होगा, 5, तो दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करके देखो 1 ही आया है ना। तो जब 1 आए तो आप याद रखोगे कि इसका जो रेसिप्रोकल है ना 1/p, इसका वैल्यू होगा, साइन को चेंज कर देना, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, √6 √6 मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√6, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। कैसे होगा देख लो, पी का वैल्यू कितना है, √6 - √5, इसकी जगह आप लिखोगे √6 - √5 प्लस 1/p, दिखाया मैंने क्या होगा, √6, साइन को चेंज कर दो, तो ये √6 माइनस था, प्लस हो गया √5। अब देखोगे माइनस प्लस कैंसिल,
ये रूट सिक्स, रूट सिक्स सेम है, यहाँ एक वन, यहाँ एक वन, तो कितना हो गया वन प्लस वन टू, और साथ में क्या है रूट सिक्स हो गया, टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स। तो इस तरह क्वेश्चंस बिना पेन यूज़ किए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को देख के आप सिर्फ डिफरेंस निकालोगे वन है, आंसर आप विद इन सेकंड दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ दिया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाई फोर फाइव एंड देन सिक्स। तो ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को अगर आप प्रोसेस से करोगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा, फिर ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 9999 होगा, उससे डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा, माइनस करके आंसर को निकालोगे, लॉन्ग प्रोसेस होगा। बस इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस के थ्रू विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। तो देखोगे क्या बोला है सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ये सब ऑप्शंस फोर डिजिट नंबर का ही है, तो बड़ा पूछ रहा है जो क्या हो जाए कि ये डिविजिबल है, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर तो बचने वाला है नहीं, तो आप चेक करोगे कि ये नंबर 4, 5 और 6 से कौन डिवाइड हो रहा है। तो पहले अगर 5 को देखें तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो है या तो 0 हो या तो फिर 5 हो। तो देखोगे सब में देखो 0, 0, 0, 0, यानी 5 से तो ये सारे नंबर डिविजिबल है, बचा कौन 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों कि लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट मतलब ये दो डिजिट, ठीक है, डिविजिबल हो जाए किससे 4 से, तब वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से चेक करते हैं 90, अब ये 90 है तो 4 के टेबल में तो 9 आने वाला है नहीं, अगर आप डिवाइड भी करोगे तो 4 टू जा 8, 1 0 यानी 10, 4 टू जा 8 2 आ जाएगा रिमाइंडर, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं होगा, क्लियर। एक कैंसिल, बचा 30, तो 4 के टेबल में दोस्तों 30 भी नहीं आएगा, 4 7 जा 38, 4 8 जा 32, तो ये भी गया, दो ऑप्शन कैंसिल, अब बचा आपके पास दो ऑप्शन। और एक बात याद रखोगे दोस्तों कि अगर लास्ट टू डिजिट दो जीरो हो तो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में आप काउंट करोगे 25 इंटू 4 100 होगा ना, तो दो जीरो आया ना, इसी तरह से अगर लास्ट का दो जीरो है तो डिवाइड होगा, तो ये दो जीरो है यानी 4 से डिवाइड होगा, इसको चेक कर लो 15 फोर जाओ 60, ये भी डिवाइड, यानी आंसर ये होगा नहीं तो ये होगा, तो बट एक बचा हुआ है ना आपका 6, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, तो 2 के लिए तो यूनिट डिजिट देखेंगे इवन या तो 0, ये 0 2 से जाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम कर दो 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 से जाएगा, तो यह 9 है 3 से जाएगा, 9 9 6, 9 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, यानी 3 से जाएगा, यानी 2 3 यानी 6 से ये दोनों नंबर ही डिवाइड होने वाले हैं, यानी ये दो जो नंबर है ऑप्शन नंबर सी और डी, ये 4 5 और 6 तीनों से डिवाइड। अब आंसर कौन सा लोगे, तो क्वेश्चंस में आ जाओ, कौन सा लोगे, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बोला ना बड़ा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, यही है ना बड़ा, ये तो छोटा है इससे, है कि नहीं, ये तो छोटा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना आप निकाले आंसर को विद इन सेकेंड दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ इफ ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब दोस्तों कि इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि यहाँ देखोगे ए प्लस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 2 है, तो अगर हम ऐसा कुछ ए का वैल्यू को पुट करें कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाए, तो अगर आप देखोगे ए का वैल्यू अगर 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 बाई 1, 1 बाई 1 मीन्स 1, तो 1 प्लस 1 2 मिला, सेटिस्फाइड है, तो इस ए का वैल्यू 1 को लेकर यहाँ पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 करोगे तो 5 5 5 10, ठीक है, नीचे ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सेम ही होगा, 9 इंटू 1 करोगे तो 9 ही होगा, तो 9 3 12 12 3 15, छोटा कर दो, 5 से गया 2, 5 से गया 3, तो आंसर हो गया दोस्तों 2 बाई 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ सिंप्लीफाई 5.349 और 49 के ऊपर पा रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ ध्यान दोगे कि मान लेते हैं सपोज ये 0 पॉइंट, यहाँ पे सपोज 9 है और 9 के ऊपर 12 है, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे 12 को, यानी 9 और एक डिजिट पे 12 है तो 19 नीचे, सपोज़ यहाँ पे 29 है
और 29 के ऊपर 12 है, तो इसको फिर कैसे रिप्लेस करेंगे? 29 यहाँ पे दो डिजिट है, दो डिजिट को यहाँ जैसे वैसे लिख दिए, अब दोनों पे 12 है ना, तो ये 29 जितना डिजिट होगा और डिजिट पे 12 होगा उतने ही हम लोग 9 को लगाएंगे। ये क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब यहाँ दिया है कि 5.349 और 49 के ऊपर 12 है, तो देखोगे पॉइंट के पहले 5 है ना, तो 5 बाहर है, तो बाहर हम लोग 5 को इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद अब ये बचा कितना, 349। अब बार को पहले भूल जाओ, तो ये टोटल नंबर है 349, तो 349 को न्यूमरेटर में इस तरह से आप लिख लोगे। अब देखोगे कि बार किस में नहीं है, तो बोलोगे 3 में नहीं है, तो इस 3 को क्या करो आप, माइनस कर दो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आ जाओ। अब डिनोमिनेटर में देखोगे कितने डिजिट पे 12 है, तो दो डिजिट पे 12 है, 4 और 9, दो डिजिट, तो 2 9 लिखो। मैंने दिखाया कि जितना डिजिट होगा और 12 हो लगा हुआ रहेगा उतना ही हम लोग 9 लेंगे, तो यहाँ पे 2 9 आ गया। अब देखना ये कि कितने डिजिट पे 12 नहीं है, तो देखो एक डिजिट पे 12 नहीं है, पॉइंट के इधर इस साइड नहीं देखना है, तो यहाँ देखोगे एक ही डिजिट 3, तो 10 लगाओगे। क्लियर? नीचे 0 लगाना है, ऊपर उसी नंबर को माइनस कर देना, बस ये याद रखोगे और आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 5। अब 349 से 3 माइनस करेंगे, 346 डिवाइड बाई 990। तो देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो अभी DHS का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।